नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर माँ दुर्गा की उपासना की जाए तो इससे उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा बुद्धि ज्ञान विवेक धैर्य और साहस का सूचक है। इस दिशा में पूजा करने से अच्छा प्रभाव मिलता है, शुभ फलों में वृद्धि होती है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इस दिशा में करनी चाहिए, इससे शुभ फलों में वृद्धि होती है। हालांकि देवी माँ का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है, इसलिए यह ध्यान रहे कि पूजा करते समय आराधक का मुख दक्षिण या पूरब में ही रहे। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को शांति का अनुभव होता है। देवी माँ की पूजा अनुष्ठान के दौरान घर के प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के ताजे हरे पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है, इससे घर में नकारात्मक या बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। देवी माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है एवं इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दीपक को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। वास्तु शास्त्र के ये नियम आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।